नमस्कार दोस्तों अगर आप एक जावा डेवलपर हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे एक जावा डेवलपर अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है तो आइए दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए हुए रिज्यूमे मेकिंग पर फोकस करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब इंटरव्यू में किस तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकता है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जिनसे आप सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज अपडेट कर सकते हैं आइए दोस्तों फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे एक जावा डेवलपर अपने लिए एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन अपना मोबाइल नंबर अपना ई मेल और अपने लिंगड प्रोफाइल का लिंक दोस्तों लिंक एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स और एच आपस में कनेक्टेड रहते हैं अगर आप अपना लिंगड प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाते हैं और उसका लिंक अपने रिज्यूमे में मैंशन करते हैं तो चांसेस बन सकते हैं कि कंपनी के एच आपका प्रोफाइल विजिट करें और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना हुआ है

थर्ड पॉइंट इज एक्सलेंट एनालिटिकल एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास में बहुत अच्छी एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करने की योग्यता है इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल्स भी हैं नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहां पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास में प्रभावशाली डेटा मैनेजमेंट और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स है लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए यहां पर लिखा हुआ है अ टीम प्लेयर विथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है तो अगर आप गौर से इस प्रोफाइल समरी को देखें तो यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने वर्क एक्सपीरियंस का हिंट दिया है उसने बताया है कि उसको कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स आती हैं साथ साथ उसने अपने स्ट्रेंथ्स पर भी फोकस किया है तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को लिख सकते हैं और एच को एक ओवरव्यू दे सकते हैं आइए अब एक नजर डालते हैं कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस पे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों इस पर जरा ज़्यादा फोकस करिएगा ये डिटेल्ड में हो सकता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत में देखिए कैंडिडेट ने अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है अपनी लोकेशन लिखी हुई है अपना जॉब प्रोफाइल लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि वो कब से अब तक किस कंपनी में कार्य कर रहा है तो इस फॉर्मेट पर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में इसके बाद देखिए लिखे गए हैं की रोल्स की रोल्स में वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं जो कैंडिडेट अपनी जॉब में निभा रहा है हम एक एक करके उन पर फोकस करेंगे पहला है राइटिंग कोर्ड्स टू डेवलप फंक्शनल वेब एप्लीकेशन इसका अर्थ है फंक्शनल वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए कोड लिखना यह कैंडिडेट के कार्य में आता है सेकेंड वन इज बिल्डिंग यूजेबल कोर्ट्स एंड लाइब्रेरीज फॉर फ्यूचर यूज इसका मतलब है फ्यूचर यूज के लिए यूजेबल कोर्ट्स और लाइब्रेरीज बिल्ड करना यह भी कैंडिडेट के कार्य में आता है नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ की फीचर्स एंड इंटीग्रेट स्ट्रेटजीज टू अपडेट एग्जिस्टिंग सिस्टम इसका अर्थ है की फीचर्स का मूल्यांकन करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए स्ट्रेटजीज को इंटीग्रेट करना यह भी उसके कार्यों में आता है नेक्स्ट वन इज कंडक्ट टेस्टिंग ऑफ कोर्ट मॉड्यूल्स विद टीम एंड फिक्सिंग कोड फॉर स्मूथ डेवलपमेंट इसका अर्थ है टीम के साथ कोड मॉड्यूल को टेस्ट करना और स्मूथ डेवलपमेंट के लिए कोड को फिक्स करना ये भी उसके कार्य में आता है नेक्स्ट वन इज प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम फीचर्स एंड मॉनिटरिंग फॉर सक्सेसफुल इंटीग्रेशन इसका अर्थ है सिस्टम फीचर्स की प्लानिंग और डिप्लॉयमेंट करना और सक्सेसफुल इंटीग्रेशन के लिए उसकी मॉनिटरिंग करना यह भी कैंडिडेट के कार्यों में आता है नेक्स्ट वन इज मेंटेनिंग द सिस्टम थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल फोकसिंग ऑन कोडिंग एंड डी इसका अर्थ यह है कि कोडिंग और डी पर फोकस करते हुए सिस्टम की जो लाइफ साइकिल होती है उसको मेंटेन करना यह भी कैंडिडेट के कार्य में आता है नेक्स्ट वन इज डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्टोरेज सोल्यूशंस एंड इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स इसका अर्थ है एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स को सुधारना और डेटा स्टोरेज सॉल्यूशंस को डिजाइन और इंप्लीमेंट करना ये भी कैंडिडेट के कार्य में आता है नेक्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। इसका अर्थ है कि वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस के लिए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस को बनाना यह भी कैंडिडेट के कार्य में आता है इसके बाद देखिए रिकमेंड रिकमेंडिंग चेंजेस टू इम्प्रूव जावा एप्लीकेशन प्रोसेस इसका अर्थ है कि जावा एप्लीकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए चेंजेस रिकमेंड करना यह भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है सबसे लास्ट पर फोकस करते हैं ऑप्टिमाइजिंग एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमाइजिंग स्पीड स्केलेबिलिटी एंड ट्रबल शूट एंड फिक्स बर्स एंड फ्लॉस इसका अर्थ है स्पीड और स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ करना और बर्स और फ्लॉस को ट्रबल चूट और फिक्स करना ये सारी चीज़ें कैंडिडेट के टेक्निकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है और दोस्तों अगर इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखते हैं तो कंपनी को बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आप अपनी जॉब में क्या क्या कार्य कर रहे थे और क्या आप उस कंपनी के लिए एक सही कैंडिडेट हैं क्योंकि वो आपके इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने के बाद जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके हिसाब से मैच करता है अगर आपकी जॉब डिस्क आपके जो जॉब रोल्स होते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन से फिट करते हैं तो आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यू की अपॉरचुनिटी को ग्रैप करने की तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपने वर्क एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं आइए अब एक नजर डालते हैं कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पर तो देख सकते हैं आप यहाँ पर उसने लिखा हुआ है लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में तो उसमें उसने मेंशन किया है कोर जावा जे टू जे एस पी जे डी बी सी और सर्वलेट्स यहां पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में देखिए उसने मेंशन किया है एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट डेटा बेस में उसने मेंशन किया है ओरेकल आई डी एंड टूल्स में उसने मेंशन किया है एक्लिप्स फ्रेमवर्क में उसने मैंशन किया है स्प्रिंग कोर और हाइबरनेट इसके बाद देखिए वेब सर्वर में उसने मेंशन किया है अपाची एंड टॉम कैट तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बारे में अपने रिज्यूमे में आइए अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के टेक्निकल सर्टिफिकेशन पे तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है कि उसने ब्रेंच ब्रेन बेंच सर्टिफिकेशन किया था जावा एप्लीकेशन में 2021 में इस तरीके से उसने अपना डिटेल मेंशन किया है इसके अलावा अगर आपने कोई फर्दर सर्टिफिकेशन कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप अपने रिज्यूमे में मैंशन कर सकते हैं आई अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन की है जिसमें सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है और सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में आती है तो आप देख सकते हैं दो में उसने बी किया था उसने टॉप पर मैंशन किया है उसने लास्ट में मैंशन किया है कि उसने अपना हाई स्कूल किया था दो में तो इस फॉर्मेट में आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं अपना नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ लैंग्वेज नोन परमानेंट एड्रेस एंड करेस्पोंडेंस एड्रेस अगर आप चाहें तो लास्ट में एक डिक्लेरेशन मैंशन कर सकते हैं जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रिज्यूमे में लिख रहे हैं वो पूरी तरीके से सत्यापित है और आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं अगर आपका यह क्वेश्चन है कि मैंने इसमें हॉबीज नहीं लिखी हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हॉबीज ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में कवर कर सकते हैं तो अपने रिज्यूमे को स्पेसिफिक रखें और उसमें वही चीजें मेंशन करें जो ज्यादा अपील करती हैं तो दोस्तों इस तरीके से इस फॉर्मेट में आप एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं और एक कंपनी को इंप्रेस कर सकते हैं